हेलो दोस्तों, बाइक मैकेनिक राइडर चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करते हैं ऑयल फ्लश, बाइक इंजन ऑयल फ्लश इसके बारे में। कोई कोई लोगों के मन में गैर समझ आ जाता है, बाइक के इंजन में ऑयल फ्लश डाले या न डाले, डालने से क्या होता है, न डालने के वजह से कुछ नुकसान होता है क्या, ये बारे में थोड़ा गैर समझ होता है। तो ये गैर समझ को दूर करने या इसका सॉल्यूशन मैं आप लोगों को बताने की कोशिश करने जा रहा हूं। तो आज का जो विषय है, इंजन ऑयल, बाइक के अंदर जो इंजन ऑयल फ्लश डाले या न डाले, तो हम लोग बात करते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, एक्चुअली जो इंजन ऑयल फ्लश होता है, ये क्या काम करता है, इसके बारे में छोटा सा मैं नॉलेज आप लोगों को बात बताना चाहता हूँ, है ना। तो ये क्या चीज होता है, जैसे हम लोग टॉयलेट में चले जाते हैं तो वहां पे भी हम लोग फ्लश करते, फ्लश करने की वजह से पानी आ जाता है, जो भी शौचालय सफा हो जाता है। तो वही तरीका है, अगर हम लोग बाइक चलाते चलाते रहते तो बाइक बोले तो इंजन के ऊपर चलता है, और इंजन रहता है इसमें जो भी हमारा इंजन ऑयल होता है ना, ये इंजन ऑयल में ज्यादा करके जो अलग अलग कार्बन के जो मॉलिक्यूल्स हो गए, अलग अलग प्रकार के मॉलिक्यूल्स है, ये कैसे फंस जाते हैं इंजन के, इंजन के जो स्पेयर पार्ट्स होते हैं छोटे छोटे, इसमें फंस जाते हैं। वैसे फंसने की वजह से क्या होता है, इंजन अच्छा परफॉर्मेंस नहीं देता है। तो इसके वजह से क्या होता है, जो कचरा या जो भी मॉलिक्यूल्स वगैरह जो फंस गया इंजन के अंदर छोटे छोटे पार्ट्स में, वो निकल नहीं रहा है ना। इसको सफा करने के लिए यानी निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, बाइक के इंजन में ऑयल फ्लश डालते हैं, ये बात होता है। लेकिन आप लोगों को बताना जाता है, जैसे हम लोग कपड़ा वगैरह धोते, तो कपड़ा धोते समय हम लोग डिटर्जेंट का इस्तेमाल करते, डिटर्जेंट पाउडर भी होता है, सोप भी होता है, इसका इस्तेमाल करते हैं। ये क्यों करते हैं, इस्तेमाल क्यों करते हैं, क्योंकि डिटर्जेंट क्या होता है, जो भी मैला होता है कपड़े में लगेला, उसको दूर करता है, सफा करता है। तो यही तरीका होता है इंजन में हम लोग इंजन ऑयल फ्लश डालने की वजह से, वो इंजन के अंदर का जो स्पेयर पार्ट्स में फंसा हुआ जो भी छोटा छोटा मॉलिक्यूल्स है, जो भी कार्बन का होगा, कचरे का होगा, है ना, ये सबको निकालने की कोशिश करता है। लेकिन पूरा तरीके से जब तक आप इंजन खोलकर सफा नहीं करते, तब तक पूरा तरीके से भले से आप लोग इंजन ऑयल फ्लश करें, लेकिन पूरा तरीके से इंजन सफा नहीं होगा, है ना। ये पहली बात होगा, लेकिन पूरे तरीके से नहीं होगा। तो हमारा विषय की तरफ हम लोग बढ़ते हैं कि ये डालना चाहिए या नहीं डालना है, ये जो इंजन ऑयल फ्लश है वो करना चाहिए या नहीं करना है, तो ये बात मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। लेकिन करने के पहले जो इंजन ऑयल चेंज करते समय हम लोगों को इसका इस्तेमाल करना चाहिए। अभी इंजन ऑयल हम लोग चेंज करते हैं 3,000, 3,500, 4,000, जो जो हिसाब से सीसी है, जो जो मैनुअल बुक में दिया है उसके हिसाब से हम लोग क्या करते हैं, हम इसे अपनी बाइक की कोई भी व्हीकल का, लेकिन हम लोग बाइक के बारे में, क्योंकि मेरा बाइक का चैनल है इसके लिए, अगर बाइक का इंजन ऑयल चेंज करते हैं तो उसी समय हम लोग इंजन ऑयल फ्लश का इस्तेमाल करना है, बाकी दूसरी तरफ नहीं करना, अगर करना है तो, है ना। इसके बारे में यानी बिफोर चेंजिंग इंजन ऑयल फॉर बाइक, तभी आप लोगों को इंजन ऑयल फ्लश का इस्तेमाल करना है। तो कैसे करना है, जो इंजन ऑयल है जो जूना, उसको ना निकालिए, उसको निकाल निकालना है। वो अगर ज्यादा 3,000, 3,500, 4,000 अगर किलोमीटर चलिए बाइक, तो उस समय हम लोगों को इंजन ऑयल को तो चेंज करना पड़ेगा, जो मैनुअल बुक में दिया उसके हिसाब से करो, अपना अपना अलग अलग सीसी की बाइक होता है उसके अनुसार करो, है ना सर। लेकिन करने के पहले जो इंजन ऑयल होता है उसको पहले बाहर नहीं निकालने का, इंजन ऑयल का जो कैप है, एक कैप को बाहर निकालो, इंजन ऑयल का कैप को बाहर निकालो, और उसमें जो इंजन ऑयल फ्लक्स है उसको डाल दो। उसको डालने के बाद थोड़ी देर तक, अंदाजा 5-10 मिनट तक इंजन को स्टार्ट करिए। क्यों, स्टार्ट करने के वजह से क्या होगा, तो स्टार्ट करने के वजह से जो इंजन ऑयल घूमेगा सर्कुलर हो जाएगा, ये टैंक के अंदर छोटा इंजन ऑयल का जो टैंक है इसके अंदर सर्कुलर होएगा। आज जो हम लोगों ने इंजन ऑयल फ्लश डाल दिया है उसकी मदद से जो भी चिपचिपाड़ या जो भी मॉलिक्यूल कार्बन वगैरह के जो भी कचरा बिचरा चिपका हुआ है छोटे छोटे स्पेयर पार्ट्स के अंदर, तो कैसे स्मूथली निकल जाएगा। एंड जो इंजन ऑयल फ्लश है डिटर्जेंट का काम करेगा, ये सबसे बात है। लेकिन कभी करना है इंजन ऑयल चेंज करने के पहले, लेकिन इंजन ऑयल को नहीं निकालना, जो जूना जूना इंजन ऑयल है उसमें ही डालना,
उसके बाद फिर उसको निकालना है। तो इंजन ऑयल बाद में निकालने का, फ्लश होने के बाद, तो बाहर निकालने के बाद आप लोगों को देखेगा कि इंजन ऑयल ज्यादा काला हो गया, उसमें आप लोगों को छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स भी दिखाई देंगे या कचरा भी दिखाई देंगे, ये भी बात होता है ना। तो लेकिन ये बात आप लोगों को क्या करना है, कैसे देखना है, जैसे कि जो इंजन ऑयल फ्लश करने के बाद ये क्या करेगा, डाइल्यूट करेगा। डाइल्यूट का मतलब आप लोगों को बताना जाता है ना, बताना चाहूंगा। जैसे हम लोग इंजन ऑयल होता है, इसका एक कैपेसिटी होता है, जैसे आप लोग डिब्बे के ऊपर देख सकते हैं 10W50 या 15W50, इस प्रकार का जो इंजन ऑयल का जो बॉक्स होता है उसके ऊपर लिखा जाता है, अलग अलग लिखाई जाता है ना। जैसे 10W50 बोले तो इसमें मतलब क्या होता है, जो कम हो गया ना नंबर 10W का, इसका मतलब थिन है, यानी पतला है, इंजन ऑयल पतला है। अगर 15W 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 50 ऐसा दिया, इसका मतलब थोड़ा थिन से थोड़ा सा गाढ़ा है या थोड़ा सा ठीक है, ये हिसाब से। एंड जितना W का नंबर बढ़ेगा तो वो क्या होता है, उसका जो गाढ़ापन होता है वो ज्यादा बढ़ते रहता है। लेकिन अपना मैनुअल बुक में दिया है, वही हिसाब से आप लोगों को उसी प्रकार का इंजन ऑयल डाले, ये मैं रिकमेंड आप लोगों को बताना चाहता हूँ। मैं बता रहा हूँ ये हिसाब से आप लोगों को नहीं जाना, मैं सिर्फ डिफरेंस बता रहा हूँ। 10W अगर होता तो थिन होगा एज कम्पेयर टू 15W, 15W थोड़ा गाढ़ा होगा, 10W वाला कम होगा यानी पतला होगा, यही बात है। तो इसमें फर्क क्या होता है, अगर हम लोग इंजन ऑयल फ्लश डालने के बाद जो डाइल्यूट करेगा यानी डिटर्जेंट के जैसा काम करेगा, और चलाते समय क्या होगा, ज्यादा करके गर्मी हीट होता है, अगर थिन वाला अगर हम लोग इंजन ऑयल डालते तो, यानी 10W का हल्का, अगर हम लोग हल्का बोले तो हमारा कम सीसी के बाइक रहेगा तो हल्का डालना है, ज्यादा हाई सीसी के हो गए तो हाई परफॉर्मेंस के लिए हम लोगों को ज्यादा W वाला डालना पड़ेगा। लेकिन अगर कम अगर हम लोग W वाला डालते, जैसे 15W वगैरह डालते, तो इसमें क्या होगा, डाइल्यूट करेगा लेकिन थिन है ना, तो गर्मी ज्यादा हीट होगी, गर्मी ज्यादा हीट होने की वजह से इंजन का जो प्रभाव हो जितना चाहे उतना नहीं देगा। और डिटर्जेंट सॉल्वेंट है, अगर जो भी हम लोग 15W 20W डालते हैं, अगर डिटर्जेंट सॉल्वेंट वाला अगर इंजन ऑयल हम लोग डालते हैं तो हम लोगों को इंजन ऑयल फ्लश करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि जो डिटर्जेंट है वो सॉल्वेंट है इंजन ऑयल में, तो काई के वजह से हम लोगों को इंजन ऑयल फ्लश करना है, तो पैसा बर्बाद ना करे। अगर डिटर्जेंट सॉल्वेंट अगर नहीं है या कम है तो ही इंजन ऑयल फ्लश का इस्तेमाल करे, वरना ना करे, यानी जरूरत नहीं है। अगर डिटर्जेंट सॉल्वेंट अगर हाई तरीके से अच्छा है, परफॉर्मेंस अच्छा है, तो डालने की जरूरत नहीं। और एक दूसरी बात मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि जो इंजन ऑयल फ्लश है वो नई जो बाइक होगी, अंदाजा आपके 5 साल 6 साल, तो डालने की जरूरत नहीं। ज्यादा साल होने के बाद यानी ज्यादा किलोमीटर चलने के बाद जो बाइक का परफॉर्मेंस खराब होगा, या अभी तक आपका इंजन अगर खुला नहीं है, ओपन नहीं किया है ना साफ सफाई के लिए, तो आप लोग इंजन ऑयल फ्लश का इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं तो करने की जरूरत नहीं है। दोस्तों यहाँ पर मैं रुक जाता हूँ, वीडियो ज्यादा लंबा हो गया। आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक करें, अपने मित्रों के साथ दोस्तों के साथ शेयर करें। अभी तो आपने मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया रहेगा तो प्लीज सब्सक्राइब करें, बाजू में बेल आइकन आएगा उसे प्रेस करना ना भूलें। दोस्तों आपने मेरा वीडियो देखा, थैंक यू।